दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल आईसी कहां से ख़रीदी जाए और मोबाइल आईसी को कैसे पता किया जाए कि कौन से में और कैसे पता किया जाए कि किस मोबाइल में कौन सी आईसी लगी हुई है और वो आईसी का बेसिकली नंबर क्या है। ख़रीदने के लिए हमें दुकानदार या वेबसाइट में वो क्या नंबर बताना पड़ेगा कि वो हम आईसी ख़रीद सकें। ये वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, तो इसमें आपको बीच में मैंने आईफोन, सैमसंग और या हम बात करें मीडियाटेक, क्वालकॉम, सारी आईसीओ का जो विवरण मैं आपको दूँगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण और एक अच्छी जानकारी होगी दोस्तों। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरा वीडियो या मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे गुजारिश है और कि आप यहां पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब देखिए दोस्तों, आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता है उससे, बट मुझे आपका प्यार मिलता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाता हूँ और ये काम करके मुझे खुशी मिलती है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ पा रहा हूँ दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लें और शेयर कर लें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंत में मैं आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैंने हालांकि अब ऐड करना बंद कर दिया जिसमें, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। तो ये पूरा वीडियो देखें दोस्तों। देखिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों आईफोन की। देखिए मेरे पास एक आईफोन 4S पड़ा हुआ है। वो आईफोन 4S में बेसिकली जो पावर आईसी है, देखिए उसमें अगर मैंने हमने चालू करके देखा तो उसमें हाफ सॉर्टिंग है और आपको पता ही है कि हाफ सॉर्टिंग में पीसीबी का कोई ना कोई पार्ट शॉर्ट मतलब जल जाता है, बर्न हो जाता है। कोई भी कंपोनेंट, चाहे वो पीसीबी के ऊपर लगा हो चाहे वो आईसी के अंदर लगा हो, अगर वो कंपोनेंट जब तक निकाला ना जाए तो वो हाफ शॉर्टिंग जाती नहीं है। तो हमने चेक किया ये पूरा पार्ट हमारा गर्म हो रहा है। हमने यहाँ के सारे कंपोनेंट आजू बाजू के सारे चेक किए वन बाय वन, सारे कॉयल निकाल के हमने चेक किए, फिर भी वो गर्मी जा नहीं रही है। और अब हमें मेन हमारा आईसी को जब हमने निकाला तो गर्मी चली गई और जो रीडिंग हमें एम्पियर जो हमें 1 एम्पियर के ऊपर मिल रही थी वो आना भी बंद हो गई है। मतलब अब हमें ये नई आईसी लगानी है। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर पावर आईसी की बात करें या कोई सी भी आईसी की बात करें अगर वो शॉर्टिंग हो चुकी है तो आईसी बेसिकली शॉर्टिंग तब होती है जब आईसी के अंदर के कंपोनेंट, क्योंकि आपको पता है आईसी के अंदर काफ़ी मिलियंस ऑफ कंपोनेंट लगे होते हैं, काफ़ी छोटे स्मॉल नैनो एकदम कंपोनेंट लगे होते हैं, माइक्रो एंड नैनो एकदम कंपोनेंट लगे होते हैं जो बेसिकली शॉर्ट हो जाने जल जाने के कारण आईसी को हीट करते हैं और वो बेसिकली आईसी या आजू बाजू का पूरा एरिया हीट होता है। तो अगर आप उसको रिबॉल करके या उसको रिसोल या कैसे भी करके लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। एक शॉर्ट आईसी को आपको रिमूव करके चेंज ही करना पड़ेगा। तो देखिए मैं बात करता हूँ आईफोन 4S की। सबसे पहले अगर ये आईफोन 4S की पावर आईसी है, देखिए हर आईसी के ऊपर है ना आपको इस तरह का नंबर दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एप्पल दिखाई दे रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि ये आईफोन का है। यहाँ पे आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है दोस्तों 33, अगर हम बात करें 8S0973, तो हर आईसी के ऊपर उसकी ये पहचान होती है सबसे ऊपर का नंबर, बाकी के नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर हम बात करें तो आपको जो मेन जो आपको नंबर चाहिए वो सबसे ऊपर के नंबर होते हैं, जो सबसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजेंटल लाइन में कि 338S0973। अब क्योंकि आईफोन 4S की आईसी है, अब लोकल बाज़ार में तो मिलने से रही नहीं, अगर मिल जाती है अगर आप दुकान पर जाएंगे तो आप डायरेक्ट बोलिए कि भैया मुझे आईफोन 4S की पावर आईसी चाहिए, नंबर 338S0973 है, अगर हो जाती है तो मिल जाती है, नहीं तो ऑनलाइन ख़रीदना है। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको सबसे पहली वेबसाइट में आपको बता देता हूँ इंडियन वेबसाइट ईबे में जाके आप खरीद सकते हैं। हालांकि मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा कि ईबे से बिल्कुल मत खरीदिए दोस्तों, वो बहुत महंगी होगी। और इसके बाद मैं आपको जो दूसरी वेबसाइट बताऊंगा उससे आपको उसी से ख़रीदनी है। तो देखिए ईबे में मैंने क्या लिखा, सेम आईफोन 4S पावर आईसी और कुछ नहीं लिखा दोस्तों, कोई नंबर वंबर नहीं लिखा, आईफोन 4S पावर आईसी जैसे मैंने ईवे में लिखा टाइप किया तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर आ गई है वो, और यहाँ पर देखिए उसका नंबर भी आ गया 338S0973। तो बिल्कुल सही नंबर है। तो हम इसको अगर इसको ओपन करूँगा तो देखिए ये जो आईफोन की पावर आईसी है वो बेसिकली आ रही है दोस्तों 1300 रुपये में।
और जिसमें अगर हम बात करें फ्री है शिपिंग चार्जेस, तो मतलब वो 1400 रुपये की आईसी पड़ेगी आपको, जो कि बहुत महंगी होगी आईफोन 4S की आईसी। तो अगर ये आप कस्टमर को लगा के देंगे, देखिए आप ही लाएंगे 1400 रुपये की और कस्टमर को देंगे, तो कम से कम आप इसमें 2 या 2500 रुपये तो कमाना चाहेंगे। तो हो सकता है शायद इतना पैसा कस्टमर खर्च ना करे, या कर भी ले, करते ही हैं बेसिकली, 1000 1500 तो आईफोन में बेसिकली मार्जिन रहता ही है। तो पर ये आईसी बहुत ज़्यादा महंगी है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। हालाँकि देखिए आप आईसी यहाँ से ख़रीद सकते हैं। आपको देखिए मैंने क्या बताया कि आईसी के ऊपर का ये जो सीएल नंबर है ये बस मैच करना होता है, 338S0973। अगर ये देखिए, अगर यहाँ पर आप जैसे कि मैं आपको आईसी दिखा रहा हूँ, ये भी आईसी के ऊपर का 338S0973 अगर बिल्कुल सही है तो वो आईसी इसमें लग जाएगी दोस्तों। और आईसी इस तरह से स्ट्रिप में आती है, तो आप इस तरह से आईसी को खरीद सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये आईसी आपको आएगी। अब देखिए इसमें केवल एक ही आईसी आएगी। अगर हम यहाँ बात करेंगे, आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर वो पूरा उसका लिखा होगा। तो यहाँ पे देखिए पैकेज इंक्लूड में लिखा हुआ है वन ओनली, तो एक ही आईसी आएगी, मतलब एक आईसी केवल आपको पड़ेगी 1400 रुपये की। तो देखिए ये तो बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। मैं आपको दूसरी वेबसाइट बता देता हूँ। मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मोबाइल रिपेयरिंग के टूल्स कहाँ से खरीदने हैं सारी चीज़ें, तो दो वेबसाइट मैंने उसमें बताई थी, एक ईबे और एक अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस सबसे बेस्ट है चाइना मार्केट में, सबसे बेस्ट बात कहूँ तो। उसके अलावा और कहीं से भी आईसी लेना तो बेकार ही है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सेम चीज़, देखिए यहाँ पर सर्च बार में जाना है आपको। देखिए ये सर्च बार है, अब यहाँ पर जैसे मैं टाइप करता हूँ, चलिए टाइप कर लेते हैं आईफोन 4S पावर आईसी। चलिए टाइप कर चुके हैं दोस्तों, अब इसको यहाँ पर जाके सर्च करते हैं और सर्च करने पर देखते हैं कि ये कितने की आएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें मिल गई है वही आईसी और सीरियल नंबर भी बिल्कुल सही है, 338S0973 पावर मैनेजमेंट आईसी। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो हाँ चलिए, अब यहाँ पर ये बात देखी जाए तो जो ज़्यादातर जो दोस्त हैं, जो भाई हैं या जो स्टूडेंट हैं, उनको लगता होगा यार ये डॉलर में क्या पैसे खर्च करूँ यार, ये कितने क्या, अगर मैं कार्ड से डालूँगा तो पता नहीं कितना क्या चला जाएगा, से पिन भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल आज इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूँगा दोस्तों। तो यहाँ हम सबसे पहली बात करें तो इंडियन रुपीज़ में कैसी देखी जाए ये प्राइस, तो कैसे देखी जाए भैया, आपको करना है क्या दोस्तों, ऊपर जाना है वेबसाइट के और यहाँ पर लिखा होगा सिप टू और इंडिया। तो आपने यहाँ पर सबसे पहली बात सिप टू में इंडिया सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। और करेंसी में आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों रुपीज़, जैसे यहाँ पर देखिए INR है ना, जो हमारी इंडियन की करेंसी है। अगर आप पाकिस्तान के हैं तो आप पाकिस्तान की करेंसी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी भी और देश के हैं, बांग्लादेश या किसी भी देश से हैं, तो आप वहाँ से करेंसी सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना है, और सेव करने के बाद में वो आपको यहाँ पर इंडियन करेंसी देखिए दे दी उसने 750 रुपये की। अब देखिए हमें जो ईबे में हमें वो जो आईसी मिल रही थी दोस्तों, वो मिल रही थी 1400 रुपये की और एक ही आईसी थी, और अली एक्सप्रेस में हमें ये आईसी मिल रही है 750 रुपये की। सबसे अच्छी जो एक बात है इसमें कि आपको एक लॉट में देखिए यहाँ पे कितना पीस मिलना है, 5, और क्वांटिटी यहाँ पे देखिए लॉट वाई 1 लॉट देख रहे हैं आप यहाँ पे, मतलब एक लॉट वो आपको दे रहा है 750 रुपये में। इसका मतलब ये है कि वो 750 रुपये में 5 आईसियाँ देगा आपको, समझ रहे हैं आप। तो 5 आईसियाँ 750 रुपये में, तो ये आपको काफ़ी अच्छा सौदा हो जाएगा। और आप ऐसे आगे भी किसी और कस्टमर का भी आईसी लगा सकते हैं और उतने ही 2000 1500 बना सकते हैं दोस्तों। तो ये आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से आपको शिपिंग चार्जेस बताता हूँ कि कितना लगेगा। तो देखिए मैं इसको बाय करता हूँ, तो चलिए मैं इसको बाय तो नहीं करूँगा पर मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ। तो मैंने बाय नाउ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा डाला हुआ है। कॉन्टैक्ट नेम डालने हैं, तो देखिए सी मैं अपना कॉन्टैक्ट नेम डाल लेता हूँ। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री डालनी है। अब जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया डालूँगा, अगर आप पाकिस्तान से हैं पाकिस्तान डालिए, बांग्लादेश से हैं बांग्लादेश डालिए, श्रीलंका से हैं या इटली या कहीं से भी हैं तो आप वो चीज़ डालिए दोस्तों। तो चलिए फिर से कर लेते हैं। अब आपको ये राइट का चिन्ह आना चाहिए दोस्तों, तो अब मैं इंडिया डालता हूँ, तो चलिए आ गया इंडिया।
तो ग्रीस आ गया है दोस्तों, फिर से इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इंडिया आ गया। अब यहाँ पर मुझे अपना एड्रेस डालना है, तो चलिए मैं अभी एड्रेस के नाम पे अपना सिटी का नाम डाल देता हूँ, चलिए जबलपुर। और स्टेट मेरा मध्य प्रदेश है, पोस्टल कोड है मेरा इतना, आप अपना डालिएगा। यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ डालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात हम बात करेंगे कंट्री, तो आपको कंट्री डालना है। 91 हमारा है इंडिया का। तो देखिए यहाँ से, तो आप मैं यहाँ से एसटीडी कोड और अपना नंबर, चलिए तो वो पूरा भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालना चाहें। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है दोस्तों, तो ये मैंने अपना नंबर टाइप कर दिया है। एंड सेव एंड सिप टू दिस एड्रेस, अभी आपको क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा देखिए दोस्तों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस आईडी से अकाउंट बना के रखा था, इसलिए यहाँ पर ये बनेगा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव क्रिएटेड एन अकाउंट विद दिस ईमेल, मतलब मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि आप इस तरह से जब सेव करेंगे तो आपको आगे के लिए प्रोसेस होगा। तो चलिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, साइनिंग कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं इसको साइनिंग कर लेता हूँ। एक बार आप साइनअप कर लें, साइनअप देखिए जैसे आप फेसबुक साइनअप करते हैं, जो नॉर्मल आईडी साइनअप करते हैं, उसी प्रकार आपको ये साइनअप करना है। साइनिंग कर लिया दोस्तों, तो वंस यू हैव साइन, तो जैसे ही आप इसको साइन कर लेंगे तो आपको जो पेज आएगा, ये देखिए आपका सेपिंग पेज है। देखिए दोस्तों बिल्कुल अपना पता बिल्कुल सही डालिएगा, हालांकि आप इसमें गलत पता मत डालिएगा, क्योंकि ये देखिए पैसे तो आपको पूरे मिल जाएंगे अगर आपका नहीं पहुंचा तो, पर वो भी मतलब का टाइम आपका खींचेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, तो टोटल जो सब टोटल हो रहा है मेरा $10.78, मतलब जो मेरी मेन प्राइस अमाउंट था वो। और शिपिंग चार्जेस अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो $0, मतलब कोई शिपिंग चार्जेस नहीं। सबसे बढ़िया बात, कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं, और डायरेक्ट चाइना से माल आएगा, हांगकांग से आएगा, कहीं से भी आ सकता है दोस्तों, पर कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं लेगा वो। यूएस डॉलर केवल कितना लेगा, $10, और इंडियन करेंसी की बात करूँ तो ₹750 में वो मुझे 5 आईसियाँ आईफोन 4S की पावर आईसियाँ भेजेगा दोस्तों। तो ये सबसे अच्छा सौदा होगा, अगर आप इस वेबसाइट से लेंगे तो ये सौदा आपके लिए सबसे अच्छा होगा दोस्तों। और उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आप अपना जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है उसका नंबर डाल के आप उसको पेमेंट को मेक कर सकते हैं। तो देखिए आपको जो टोटल देना होगा वो देना होगा ₹750, मतलब यूएस अमाउंट यूनाइटेड स्टेट डॉलर के हिसाब से $10 देना पड़ेगा, $10.78 इतना आपको देना पड़ेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए बात करते हैं किसी और आईसीओ की। तो ये था आईफोन 4S की आईसी। तो अब हम यहाँ पर सीपीयू में कुछ आईफोन की बात करूँ, तो आईफोन की सीपीयू में कोई भी आपको सीरियल नंबर नहीं देखना है, सिर्फ लोगो देखना है और ये जो न्यूमेरिकल है A4, A5, A6, A7 ये देखना है। अगर मैं बात करूँगा, ये हालांकि आईफोन 4S का ही सीपीयू है, आईफोन 5 का नहीं है, क्योंकि आईफोन 5 का होता तो A6 होता, ये आईफोन 4S का ही सीपीयू है। तो चलिए इसी का सीपीयू देख लेते हैं कि ये मिलता है कि नहीं मिलता। सबसे पहले ईबे में चेक कर लेते हैं, आईफोन 4S CPU। देखिए मैंने CPU डाला हुआ है तो हो सकता है साथ ना आया, मैं CPU IC डाल देता हूँ। चलिए CPU IC डालने के बाद भी नहीं आया, मतलब ईबे में कोई भी जो डीलर है वो कोई भी IC नहीं बेच रहा है आईफोन CPU करके। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ, देखिए अली एक्सप्रेस में आईफोन 4S CPU। तो जैसे ही मैं आईफोन 4S CPU डालूंगा दोस्तों, तो देखिए मुझे यहाँ पर आईफोन 4S का CPU आ गया A5। अगर 5 का डालूंगा तो एक से आ जाएगा, $80 का आया है। मीन्स अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे पड़ेगा, तो वो मुझे कितना भेजेगा दोस्तों, 5 IC भेजेगा वो मुझे, और वो मुझे पड़ेगा ₹5,571 का। और यहाँ मैं बात करूँगा पर पीस $16 के हिसाब से है, पर पीस कितना $16। तो आप क्वांटिटी यहाँ से ले सकते हैं, तो यहाँ से जैसे क्वांटिटी बढ़ाते आएंगे तो ये देखिए ये आपको लॉट में ही भेजेंगे। अगर ये लॉट में ये सिंगल पीस नहीं भेजते हैं, इसमें इनका लॉस होता है, इसलिए और लॉट में ज़्यादा अच्छा है। अगर आप 5,000 खर्च करेंगे तो हो सकता है कि आप आने 5 लोगों के आईफोन भाई 5 को आप डायरेक्ट को आप रिपेयर कर सकें, और अच्छा खासा अमाउंट आप 5,000 का 25 बना सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, आप तो जानते ही हैं। तो बड़ी अच्छे से अगर आप इसको भी बाय करेंगे तो ये भी आपका जो टोटल अमाउंट है केवल $80
कलर ही दिखाएगा और उसके अलावा कोई इसमें शिपिंग चार्जेस नहीं होगा। बस थोड़ा जो डिलीवरी टाइम है, देखिए यहाँ पर तो जो $0 दिखा रहा है, सिर्फ $80 दिखाएगा आपको। बस जो डिलीवरी टाइम है वो इसमें थोड़ा ज़्यादा है, मतलब आपको 30-40 दिन लग सकते हैं। और यहाँ पर अगर पूरी टर्म्स एंड कंडीशन समझी जाए तो रिटर्न पॉलिसी है, या जी हाँ ये आपको बिल्कुल एक्सेप्टेड करता है रिटर्न पॉलिसी। 60 दिन की गारंटी देता है ऑन टाइम डिलीवरी की, 60 दिन के बाद आया तो पैसा बिल्कुल वापस हो जाएगा, 60 दिन के अंदर आपके हाथ में प्रोडक्ट आ ही जाएगा। फुल रिफंड, देखिए यहाँ पर देखिए फुल रिफंड की बात हो रही है, पर इफ़ यू डोंट रिसीव ऑर्डर, अगर आपको आपका ऑर्डर मिलता ही नहीं है तो पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। और अगर आपको मिलता है और उसके हिसाब से नहीं होता है जैसे आपने ख़रीदा था, वो प्रोडक्ट कुछ अलग होता है, तो वो बिल्कुल मिल जाएगा और उसमें थोड़ा आपका एडजस्टमेंट भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बस इसमें आपको अगर आप मान लीजिए अगर आपको भेजना है वापस रिटर्न से टाइम पे, तो आपको उसका शिपिंग चार्जेस देना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न एक्सेप्टेड इन प्रोडक्ट नॉट एट डिस्क्राइब बायर पे रिटर्न शिपिंग फी, तो जो भी रिटर्न फी होगी वो पे करना पड़ेगा, या तो आप प्रोडक्ट रख लें और रिफंड विद सेलर्स। सो सेलर्स के साथ में आप अपना खुद का एक समझौता करें कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। तो ये जैसे कि देखा आपने आईफोन 5 की आईसी, चलिए आईफोन 4 की आईसी, 4S की आईसी, अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों ये आईफोन 4S की वाईफाई आईसी है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये आईफोन 4S की वाईफाई आईसी है। तो चलिए इस वाईफाई, मान लीजिए कोई फ़ोन आया आईफोन 4S और उसकी वाईफाई आईसी आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपने लिखना है आईफोन 4S वाईफाई मॉड्यूल। तो मॉड्यूल मींस होता है आईसी, मॉड्यूल या ड्राइवर सभी आईसी को कहते हैं दोस्तों। तो चलिए मैंने आईसी डायरेक्ट डाल दी है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये आ गया 4S ब्लूटूथ वाईफाई आईसी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए $5 में आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से। तो ये देखिए ये वही आईसी है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आईफोन 4S वाईफाई ब्लूटूथ आईसी, तो ये यहाँ पर $5 में मिल जाएगी, मतलब ₹348 में मिल जाएगी दोस्तों। तो ऐसे में आप यहाँ से ये खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप आईफोन 4S आईसी। अब हम बात करते हैं आईफोन 6 की, आईफोन 6 के पावर आईसी की बात करते हैं दोस्तों। तो आईफोन 6 के जो पावर आईसी है, तो जैसे कि मैंने देखा है अभी आईफोन 4S, ये आईफोन 6 की पीसीबी प्लेट है और ये आईफोन 6 का एक पावर आईसी है। और ये देखिए ये आईफोन 6 आपको दिख रहा है पावर आईसी, और ये उसका नंबर है 125 और -AZ। तो ये बेसिकली चलिए ये देख लेते हैं ये कितने रुपये की मिलेगी। तो आईफोन 6 पावर आईसी, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा है ना दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट मींस आईसी। तो आपने जैसे इसको एंटर किया तो ये देखिए आपको यहाँ पर आईफोन 6 की आईसी जो पावर आईसी है वो आपको मिल जाएगी। तो चलें देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए तो ये मिल गई आपको आईफोन 6 की पावर आईसी। तो यहाँ पर मैं इसको खोल लेता हूँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 251 है और AZ है, तो यहाँ पे भी 251 ही है, 251 AZ है। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 251 AZ है। आईफोन 6 की 4.7 इंच जो फ़ोन है जिसका डिस्प्ले 4.7 है वो आपको मिल जाएगी 450 रुपये की दोस्तों। और सिर्फ इतना ही रुपया आपका शिपिंग में, मतलब शिपिंग में भी आपका केवल इतना ही लगेगा, कोई पैसा ऊपर नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल अमाउंट आपको पड़ेगा $6.5। देखो मैं आपको बाय करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सिंगल है, इसमें कोई भी लॉट नहीं है, मतलब एक ही आईसी है और एक आईसी आपको इतने में पड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल में अगर आप देख पा रहे हैं तो $0 टोटल पैसा लगेगा आपका, ₹500 बड़ी आसानी से। और ये आपको आ जाएगी 28 दिनों में, मतलब उससे पहले भी आ सकती है, 18 और 28 दिनों के बीच में आएगी दोस्तों। चलिए यहाँ पर ये तो हो गई आईफोन की बात, तो यहाँ पर हम देखिए ये देखिए एक और लगा हुआ है आईफोन 6 की ऑडियो आईसी है। तो अगर हम बात करें ये उसका पीसीबी है और ये उसकी ऑडियो आईसी है। तो चलिए बहुत ज़्यादा हद तक आईफोन में ऑडियो की प्रॉब्लम देखी गई है, तो ज़्यादातर वो आईसी मिल नहीं पाती है, लोग उनको रिबॉल ही करते रह जाते हैं। देखिए दोस्तों रिबॉल
भी आप कितनी आईसी को कितना करोगे, अगर वो आईसी के अंदर के कंपोनेंट खराब हो चुके हैं या वो चिप बेसिकली ब्रोक हो चुकी है, तो रिबॉलिंग तो बेकार है, रिबॉलिंग तो उसमें होगी ही नहीं। अगर मैं सिक्स की बात करूँ और ऑडियो आईसी की बात करूँ, चलिए ऑडियो आईसी सबसे ऊपर है, ऑलरेडी सर्चेबल है तो सबसे ऊपर आ गई है दोस्तों। चलिए क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखिए आपको आईफोन 6 की ऑडियो आईसी सबसे पहले में मिल चुकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर भी 201, यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं नंबर भी आपको 201 आपको जो दिख रहा होगा, और यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ आपको, चलिए देखिए नंबर 201। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जिन आईसीओ सीपीयू में तो सिर्फ लोगो होता है, A4, A5, A6, A7 काम करता है, बाकी आईसीओ में जो सबसे ऊपर हॉरिजेंटल में ये जो नंबर डले होते हैं ये नंबर ही मेन होते हैं और जो सबसे ऊपर होता है, बाकी नंबरों का कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब J SS A ये सब आपको नहीं नोट करना है। आपका जो मेन नंबर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए 338S1201201। तो ये मेन नंबर आपका होगा, तो इस तरह से आप इस आईसी को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यही नंबर से आपको दुकान में या ऑनलाइन आपको ये आईसी मिलेगी, और ऑनलाइन केवल अली एक्सप्रेस में ही मिलेगी, बाकी कोई अगर वेबसाइट दे भी रहा होगा तो बहुत महंगा दे रहा होगा वो। चलिए बात करते हैं किसी और फ़ोन की आईसी की, मीडियाटेक की बात करते हैं। देखिए चाइनीज़ फ़ोन की बात करते हैं, मीडियाटेक MT की आईसी। देखिए चाइनीज़ में अगर कोई भी मीडियाटेक का अगर आपके पास फ़ोन है और उसमें मीडियाटेक की आईसी को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए मीडियाटेक के लिए अब बात जो सबसे पहले उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है MT, तो MT के बाद जो सीरियल नंबर होता है वही मेन होता है, बाकी सीरियल नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसका मेन नंबर है 6329BA। तो ये एक पावर आई, ये एक CPU है। तो चलिए मीडियाटेक एक CPU कंपनी है, तो CPU बनाती है, हालांकि पावर आईसी भी लगती है मीडियाटेक की। तो MT जो उसमें वैल्यू थी वो डालते हैं 6329BA, 6329BA। देखिए BA डाला और ये सर्चेबल में भी आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पर वो आईसी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों मिल चुकी है, यहाँ पे देखिए 6329BA। तो यहाँ पे हम देखेंगे आप अगर 10 पीस में लेना चाहें, 2 पीस में लेना चाहें, बहुत वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखिए 6329BA, और ये आपको मिलेगी दो आईसी, मतलब 700 रुपये में, मतलब 350 रुपये की एक आईसी मिलेगी दोस्तों। और आप आराम से अगर ये आप ख़रीदते हैं तो ग्राहक से कम 800 या 700 रुपये तक तो इसमें आप वसूल कर सकते हैं, मतलब एक तरह से एक आईसी फ्री हो जाएगी आपको, और नेक्स्ट टाइम तो ये कमा के देगी। या तो आप इसमें 1000 के ऊपर भी ले सकते हैं दोस्तों, पावर आईसी और ऑब्वियसली CPU आईसी है, इसको आप बना के दे रहे हैं तो आप 1000 रुपये भी इसमें चार्ज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सैमसंग की। तो सैमसंग में देखिए एक S3 का मॉडल है और ये इसकी पावर आईसी है। देखिए S3 में दो पावर आईसी लगी होती है दोस्तों, एक लगी हुई है मैक्स जो उसमें मॉडल नंबर लिखा होगा सबसे ऊपर हॉरिजॉन्टल में 686, और एक होगी 693। तो दोनों आईसीओ को हम चेकआउट कर लेते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर वो सब मीडियाटेक की बात हो रही है। देखिए दोस्तों मीडियाटेक में आपको फ़ोन नहीं डालना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मीडियाटेक में आपको उसकी सीरियल नंबर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे MD लिखा है, पूरा सीरियल नंबर, बाकी आप सब में आप फ़ोन डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सैमसंग डाला है और मैं यहाँ पर डालूँगा S3 पावर आईसी, चलिए S3 पावर आईसी। तो देखिए मैंने पावर आईसी डाली है, दो आईसी है उसकी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए हमें दोनों आईसी चाहिए उसकी, तो यहाँ पे देखिए हमें ये दोनों आईसी मिल गई है दोस्तों। तो चलिए मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर आपको 693 और 686 दो आईसियाँ, दो पीस देगा, दोनों आईसियाँ देगा, और वो देगा केवल 350 रुपये में। तो देखिए दोस्तों इससे अच्छी डील तो और कोई नहीं होगी। और अगर आप चाहें, अगर आप एक अच्छे, आपके बाद में अच्छा खासा रेवेन्यू है, और अगर आप अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है या रेवेन्यू आता है, तो आप अच्छी खासी आईसीओ का भी एक स्टॉक रख सकते हैं और वो आईसीयां भी मार्केट में दूसरी दुकान को बेच सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप अच्छे खासे लॉट बुलवा सकते हैं, इसमें शिपिंग चार्जेस कोई भी नहीं लगेगा और ये आपको घर ला के दे देगी, मीन्स होम डिलीवरी होती है, बिल्कुल जी हाँ होम डिलीवरी मिल जाएगी इसमें आपको। तो चलिए और देखते हैं, सैमसंग की हो गई है, ये एप्पल की थी, किसी दूसरे फ़ोन की देख लेते हैं। जैसे आजकल जो नोट चल रहे हैं, Xiaomi का Redmi Note 3 की बात करें दोस्तों, तो देखिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, जो उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है वो MediaTek का लगा हुआ है Helio, और इसकी जो बात करें प्रोसेसर है 6795, और जो उसमें पावर मैनेजमेंट आईसी लगी हुई है
वो लगी हुई है 631P पावर मैनेजमेंट चिप। तो चलिए यही आईसी ढूंढते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, मैंने हमेशा बताया पावर आईसी, या बात करें हम मीडिया टेक की आईसी, मीडिया टेक की आईसी को मीडिया के सीएल नंबर से ही ढूंढते हैं। तो मीडिया टेक की आईसी को सीएल नंबर से ही ढूंढा जाता है। तो मैं इसके MTK6331P को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अली एक्सप्रेस में यहाँ जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ दोस्तों। तो देखते हैं कि मुझे क्या आईसी मिल पाएगी। चलिए मुझे आईसी नहीं मिली है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, देखिए मैं MTK और इसमें है ना स्पेस है ना, उसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अब लिख देता हूँ MTK। अब चलिए एक बार और मैं सर्च करता हूँ। तो देखिए मुझे आईसी मिल गई है दोस्तों। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये देखिए ये मुझे आईसी मिल गई है, ये देखिए। चलिए मीडिया टेक्स और ये आईसी अगर मैं बात करूँ, सिर्फ सिंगल आईसी है और आईसी सिंगल आईसी है और 220 रुपये की आईसी केवल। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, चलिए तो ये देखिए MT6331P, तो ये पावर्ड आईसी आपको मिल जाएगी यहाँ पर, जो आपके सिर्फ 220 रुपये में घर पे आ जाएगी। और अगर आपके बाद में Note 3 है और जिसकी पावर्ड आईसी आपको लगता है कि ख़राब है, और तो उसको आप बिल्कुल 220 रुपये में ख़रीद के आप कस्टमर से कम 1000 रुपये वसूल कर सकते हैं दोस्तों, बड़ी आसानी से। और अगर हम बात करें प्रोसेसर, तो प्रोसेसर भी देखिए मिल जाएगा। तो मैंने प्रोसेसर को कॉपी कर लिया MT6795 और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, देखिए। और मैं यहाँ पर 6795 को मैंने सर्चेबल डाल दिया दोस्तों, ये देखिए मिल चुका है। ये तो इसका रिबॉलिंग स्टेंसिल है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका स्टेंसिल है, मतलब आईसी नहीं है आईसी बेसिकली। तो यहाँ पे बात करें 6-7 तो स्टेंसिल दिया हुआ है, तो ये तो रिबॉल कर सकते हैं आप आईसी को। तो यहाँ पर आईसी नहीं है, इसका मतलब अभी मार्केट में इसकी आईसी नहीं आई है। तो आप इसका स्टेंसिल खरीद सकते हैं और इस आईसी को रिबॉल कर सकते हैं। चलिए तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। और आपने भी, अगर आपके पास में भी किसी प्रकार की आईसी होगी, जैसे आईफोन 4, या हम बात करें वाईफाई आईसी, या हम बात करें पावर आईसी वाईफाई या ऑडियो आईसी, या मीडियाटेक की हो, या सैमसंग की हो, या किसी भी क्वालकॉम की आईसी हो, तो उसको आप बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। और वो खरीद सकते हैं आप अली एक्सप्रेस से। जी हाँ, अली एक्सप्रेस से आप खरीद सकते हैं दोस्तों। बट आपको करना क्या होगा दोस्तों, एक बार ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था यहाँ से शिफ्ट टू इंडिया, और यहाँ पर आपको अपना करेंसी डालनी होगी। तो जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपका कंट्री है, आप उसकी करेंसी यहाँ पर डाल के आपको ये बिना कोई शिपिंग चार्ज के आपके घर पे आपको आईसी पहुँचा देगा। तो चलिए देखते रहिए ऐसे ही ऐसे टेलीकॉम, और जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आपको कोई भी सलूशन मुझे पूछना है, मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप फ़ोन मत कीजिए। देखिए कोई भी मुझे फ़ोन मत करो दोस्तों, क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली बहुत बिजी रहता हूँ और मैं बहुतों के कॉल नहीं उठा पाता। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं आपके कॉल अटेंड नहीं कर पाता, और कभी करता हूँ तो मैं आपको मना कर देता हूँ। आपको जो भी पूछना है वो आप मुझे व्हाट्सअप करो दोस्तों, मैं आप जो भी पूछना है आप मुझे व्हाट्सअप करिए दोस्तों। अगर मैं व्हाट्सअप में नहीं बता पा रहा हूं, मतलब मैं बिजी हूं, आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको कमेंट्स में इसका आंसर दे दूंगा दोस्तों। अभी मैंने ग्रुप बिल्कुल बंद कर दिए हैं, कोई भी मैं ग्रुप में ऐड नहीं कर रहा हूं। तो अभी प्लीज मुझे ग्रुप के लिए आप लोग मैसेज मत करें दोस्तों, क्योंकि 3 ग्रुप ऑलरेडी हो चुके हैं और वो फुल हो चुके हैं। 4th-5th बहुत सारे ग्रुप चला पाना एक दिक्कत की बात है, क्योंकि हर किसी को फिर आंसर कर पाना दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, और वो बेसिकली थोड़ा टाइम की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपसे आशा करता हूँ कि आपको बुरा भी ना लगे, और प्लीज़ अगर आप लोग मुझे कॉल मत कीजिए। अगर हाँ, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है तो ही कॉल कीजिए, और पहले पता कर लीजिए कि जबलपुर में आप आ सकते हैं, मध्य प्रदेश जबलपुर में। अगर आप कहीं दूसरे से हैं तब कॉल कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपका भी टाइम बचेगा और मेरा टाइम भी बचेगा। तो और जो भी मेरे नए ऐप्स हैं, जो मैंने एक सॉफ्टवेयर पे नया ऐप्स बनाया हुआ है, वो भी डाउनलोड कर लें दोस्तों। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, और उसका भी एक नया वीडियो बनाऊँगा मैं अभी आगे जाके। और जो भी आपको सवाल पूछना कमेंट पर डालें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, जुड़े रहें। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।